जो इतने सारे फ्रूट्स लेकर आई हो ये खा भी पाओगी या बस मेरे साथ थोड़ा टाइम बिताना है? कुछ फहमी है? अरे ये लो पानी पियो। पति को गलत सलत बोलोगी ना तो ऐसा ही होगा। अरे तुम्हें तो मेरी लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए। अब बोलूंगी नहीं, सीधे ये ग्लास उल्टा दूंगी। हंसना बंद करिए। अच्छा बाबा, सॉरी। सॉरी नहीं, मुझे सॉरी बिल्कुल भी नहीं सुनना। फिर बात तो कर सकती हूँ। इतनी आसानी से? तो फिर टैक्स भरना पड़ेगा कि? नहीं, मेरा मतलब है तुम बता दो बात कैसे होगी। थोड़ी मेहनत करिए। मैं भाव खाऊं तो नखरे उठाइए। जब बीवी पूरा दिन घर का काम संभालने के बाद आपसे बात करने के लिए इंतजार करे तो ऐसे उठ के बाहर मत जाइए। मजाक है क्या? मेरा वेदांत शर्माता भी है? ओहो, वो भी इतना ज्यादा? क्या दादी, आप मेरी छोड़ी, आप क्या यहाँ वहाँ घूम रहे? अरे मैं कहाँ इधर उधर घूम रही हूँ। मेरा ना एक पोता हुआ करता था, तेल से मेरे पैरों की मालिश किया करता था। बेचारे को प्यार हो गया, मुझे तो सारे काम खुद ही करने पड़ रहे हैं। नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी तेल लेकर आता हूँ और आपके पीने का पानी भी। अरे मैं तो चिढ़ा रही थी तुझे। नहीं दादी, कोई बहस नहीं, आप रूम में चलिए, मैं आता हूँ। संचू, ये क्या हरकत है संजू? क्यों आए हो यहाँ पे? अंकू, मुझे लगा कि हमारे बीच में फाइट, लव, एक्शन, ड्रामा, ये सब तो हो गया। तो इससे पहले कि शादी हो और रोमांस का टाइम खत्म हो जाए, मैं आ गया तुमसे आई लव यू सुनने। ऐसा है, अब हमारे पास रोमांस का फुल एंड फाइनल लाइसेंस है। जल्द ही रोके की डेट पक्की हो जाएगी और फिर शादी। तो जाने मन, अब अकड़ना छोड़ो और फटाफट आई लव यू बोलने की प्रैक्टिस कर लो। हो गया, अभी चलो निकलो यहाँ से, अभी क्या अभी? मेरे आने की खुशी नहीं हुई तुम्हें? तब तो एक दिन नहीं रुका जा रहा था मेरे बिना, गोद में आकर गिरी थी ना। देखो, शहरी लौंडे नहीं है हम, जो अंग्रेजी में खिटपिटाए कुत्ते की तरह पीछे चलेंगे। गंगा किनारे वाले सरफिरे छोरे हैं, एक बार तुम्हारे चक्कर में आके अपनी जान खतरे में डाल चुके हैं और अब आई लव यू सुनकर ही जाएंगे। बोलो, प्यार करती हो ना संजय त्रिपाठी से? अभी इसे हाथ से जाने नहीं दे सकती, इसकी गलतफहमी बनाकर रखना जरूरी है।
तुम्हें क्या लगता है संजू बेबी, थोड़ा सा और सब्र कर लो, शादी तो हो जाने दो, और अगर मेरी हाँ सुननी है तो फिर कुछ ऐसा करो कि मैं बोल दूँ। आसान नहीं है। आसान काम तो तुम्हारे संजू को पसंद ही नहीं है, और बेबी जो फील करती हूँ ना बोल दिया करो। मैं ऐसे ही सोच रहा था कि मेरे प्यार के बदले तो तुम्हारा इनकार हमेशा क्यों रेडी रहता है। और जहां तक रही बात कुछ कर दिखाने की, तो अगर पापा और परिवार को मैं लव मैरिज के लिए मना सकता हूँ तो बाकी सब तो बच्चों का खेल है मेरे लिए। और तुम अपनी बात से मुकरना मत, मन से शादी कर चुका हूं तुमसे, अब हाथ से जाने नहीं दूंगा। अभी बताया ना बेबी, गंगा किनारे वाला सरफिरा छोरा हूं, अपनी चीज अच्छे से छीननी आती है मुझे। चले वेदांत बेटा, तेरे हाथों में तो जादू है, खुश रह जीता रह। अब तू जा। इतनी जल्दी? अरे जल्दी क्या, पैरों का मालिश करवाने का दिल किया था तो तुझे बुलवा लिया, अब तू जा, पूर्वा तेरा इंतजार कर रही होगी। पक्का? पक्का। अरे मैं तेरी जगह होती ना तो अपनी दादी को चकवा देकर रोमांस के पीछे लगी होती, और तू पक्का 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 खेल खेल रहा है। गलत। क्या? जैसे एक बोतल का ढक्कन दूसरी बोतल के साथ मेल नहीं खा सकता है ना, उसी तरह दो बेमेल लोग एक दूसरे का साथ नहीं निभा सकते। दादी आप ये क्या बोल रही? संजू और पंखुड़ी की जोड़ी बेमेल है ना, ये मुझे ही नहीं लगता ऐसा है। संजू की जिद के आगे घर वालों ने तो घुटने टेक दिए, लेकिन बेटा जो कुछ भी हो रहा है ना गलत हो रहा है। सब ठीक हो जाएगा दादी, आपका वेदांत है ना। बस जब ये सुनती हूँ ना तो निश्चिंत हो जाती। तो मतलब नो टेंशन? नो टेंशन एट ऑल। वेरी गुड। पर ना अब तो जा, सुबह सुबह ना साड़ी और गहने वाले आने वाले हैं घर में, तो मुझे लेट थोड़ी ना होना है, मुझे सबसे पहले पहुँचना है उनके पास। अच्छा ठीक है, गुड नाइट मेरी शॉपिंग की दीवानी वाली दादी। यस। सो जाओ अभी। देखो तुम्हारे हस्बैंड ने कैसे तुम्हारे लिए बेड्डी भी तैयार रखी हुई। आप इतनी जल्दी उठ गए मेरे लिए? तुम्हारे लिए भी और तुम्हारी वजह से भी। मतलब? बस इन खराटों की आवाज ने ऑर्डर दिया कि बेटा वेदांत त्रिपाठी उठो और काम पे लग जाओ। वेदांत कितने बुरे हैं आप, कितनी थक गई थी मैं बस इसलिए। अच्छा बाबा ठीक है, चाहे तो भी बताओ कैसी है। बहुत अच्छी बनी है, रोज पिलाई। बिल्कुल वाइफी, प्यार से। थैंक यू। चलिए फिलहाल तो आप तेजी से उठ जाइए
क्योंकि संजू और पंखुड़ी के रोके की डेट फाइनल होने वाली है, तो नीचे साड़ी और गहनों की शॉपिंग होने वाली है। घरेलू बातों की भी खूब खबर रखता है। अरे अपनी दादी है ना शॉपिंग की फैन यार, उन्होंने बताया कल रात को। ठीक है। एक, दो, तीन, चार। इस बार जितने कदम मैं इस घर के अंदर रखूंगी उतने ही कदम पूर्वा दी के इस घर से बाहर जाने की उल्टी गिनती शुरू। अब मैं उनकी जगह लेकर रहूंगी। नमस्ते बुआ। नमस्ते चाची। नमस्ते माँ जी। खुश रहो। हाय राधिका। हाय दी। नानी मौसी। नमस्ते। जी तेरा। अरे पूर्वा, आजकल तेरी रसोई में रोज नई नई चीजें बनती है, आज क्या सोचे? दादी वो चावल की खीर। गुड। पेदाद के मन पसंद की। हाँ पसंद तो है ही। वैसे कल रात को वेदांत कह रहे थे कि उन्हें खीर खाने का मन कर रहा है, तो सोचा बना लूं। गुड गुड गुड, वेरी गुड। वाह भाभी, भैया के मुंह से कुछ निकलता बाद में आप पहले पूरा कर देती हैं। मेरी पूर्वा है ही ऐसी। अच्छा एक काम करते हैं, आज पंडित जी आ रहे हैं ना मुहूर्त निकालने के लिए, तो भगवान जी को यही खीर भोग में लगा देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मा, बड़ी बहू खीर बनाएगी और होने वाली बहू के हाथों भोग लगाएंगी। जैसा ठीक लगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम ओम हरिः ओम। ईश्वर की इच्छा से मैं शुभ मुहूर्त निकाल देता हूँ, तब तक आप लोग भगवान के चरण में भोग लगा दें। पंखुड़ी बेटा भोग लगा दो, आज तो भगवान जी खुश हो जाएंगे क्योंकि खीर मेरी पूर्वा ने बनाई है। नानी मौसी ये खीर तो फट गई। ये तो अपशकुन है, अब ईश्वर को नाखुश करके हम शुभ मुहूर्त तो निकाल नहीं सकते, अब ये कार्य किसी और दिन करना होगा। कोई और दिन किसने देखा है पंडित जी, ना ये मुहूर्त कभी निकलेगा और ना ही ये रोका कभी होगा। मैं चलता हूं। भाभी फटी हुई खीर क्यों किया ये? ये गुदड़े लाल के घर वाले चाहते ही नहीं कि मेरे बेटे की शादी हो, तभी तो ये बचकानी हरकतों पे उतर आई। पूर्वा जानबूझे कभी भी ऐसा नहीं करेगी बाबूजी। रमेश छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रहा है, बस करना, चुप रह। छोटी सी बात, आज रोका होने वाला था मेरा। पापा आप दूसरा पंडित बुलाओ, माँ खीर बनाएगी, मुझे मुहूर्त और रोका आज के आज चाहिए बस।
तेरे बेटे की मांग पूरी करने के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। रोका कल शाम को होगा और धूमधाम से होगा। जीते रहो। एक बात और, कल घर पे एक बहुत ही खास मेहमान आ रहे हैं, वो चतुर्वेदी साहब और उनका बेटा अविनाश राधिका को देखने के लिए। और अगर भगवान ने चाहा तो राधिका की शादी भी जल्दी ही पक्की हो जाएगी। खबर तो अब सुनाई भाई साहब, मेरा मतलब है एक और अच्छी खबर सुना दी आपने। एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ा सपना होता है कि एक दिन वो धूमधाम से अपनी बेटी का कन्यादान करें। और मुझे कोई खास अच्छी बात की उम्मीद नहीं है तुमसे, लेकिन कल कोई अपशकुन नहीं होना चाहिए, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। दादू, हमारे संजू का रोका होने जा रहा है। कोशिश करूंगा कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो, सबकी खुशी के हिसाब से हो और पूरा परिवार एक साथ रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसा आप होते तो करते। वेदांत, वेदांत, आज जो कुछ भी हुआ वो मैंने नहीं, वो खीर, मुझे नहीं पता अचानक कैसे ये सब। भी मुझे भी तुम पे पूरा विश्वास है। तुम मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बस मैं इतना चाहता हूँ पूर्वा कि मेरी पत्नी मेरा साथ दे। इस शादी में बस पूरी तरीके से शामिल हो जाओ ना पूर्वा, प्लीज। और बाबूजी ने राधिका का रिश्ता, देखिए वेदांत, वो बहुत परेशान है, हमें उस बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा। मैं जल्दी प्रतीक से मिलने वाला हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। वेदांत, चीजों को थोड़ा वक्त देना पड़ता है पूर्वा, बहुत बार चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। और अगर चीजें ठीक ना हो तो बिल्कुल वही कहना जो दादी कहती है, सब ठीक हो जाएगा। मेरा वेदांत है।